अरे मेरे अल्लाह, तो बस माँ जल्दी से पानी पिला बेटा एक गिलास। जी अम्मा। ये ले। क्या हुआ है? आप दोनों इतना डरे हुए क्यों हो? मत पूछे भाभी, वो बदतमीज शख्स फिर से हमारे सामने आ गया था। ओ मेरे खुदाया, फिर? फिर होना क्या था? तो शुक्र है कि अम्मी ने रिक्शा रोक लिया, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। सच पूछो ना तो मेरे भी हाथ पांव फूल गए थे, तो अल्लाह के कलाम की बरकत है जो हम महफूज रहे। आयतल कुर्सी की बरकत की वजह से ना उस बदमाश से बच गए हम कमीने से। इसका मतलब है वो उजाला पर घात लगाए बैठे। उजाला अब तुम पेपर्स कैसे दोगी? एग्जाम्स देने के लिए मुझे दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा। लेकिन जब घर से निकलोगी तो उसे तो पता चल जाएगा। इंशाल्लाह, ये कैसी मुसीबत है, हम अपने घर में भी महफूज नहीं है। काश उन्हें घर मिल जाए। घर मिल भी जाए तो हम इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे होंगे? मुझे समझ नहीं आ रही, वो जानता है कि उजाला शादीशुदा है, फिर क्यों इसे तंग कर रहा है? अरे ऐसे कमीने बेगैरत जो लोग होते हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। बस तुम तो दुआ करो कि कहीं से मरियम और मोहसिन आ जाएं फरिश्ता बनके और अपनी इज्जत को इज्जत के साथ ले जाएं। अम्मा ये कोई फौरी हल तो नहीं है ना? मरियम खाला और मोहसिन को आना होता तो बहुत पहले आ चुके होते।